एक शब्द है हिंदी का कभी, और बेहद जरूरी शब्द है, लेकिन किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, कभी वीडियो कभी नहीं बनाई उस पर। मैंने हिंदी का ये शब्द लेकर के वीडियो बनाई है आज, कभी, और कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी इंपॉर्टेंस ये वीडियो देख करके आप पता लगा सकते हैं। कभी की एक अंग्रेजी है, यानी पहली अंग्रेजी है एवर। हैव यू एवर सीन ए वॉल्फ? क्या तुमने कभी भेड़िया देखा है? हैव यू एवर सीन ए लायन? क्या तुमने कभी शेर देखा है? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? इस प्रकार से वाक्य जो बनते हैं कभी शब्द से बनते हैं। क्या कभी आप अमेरिका गए हैं? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? कोई भी देश का नाम ले सकते हैं, किसी भी जानवर का नाम ले सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए वॉल्फ? हैव यू एवर सीन ए लायन? हैव यू एवर सीन ए टाइगर? इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें, नो वन एवर आस्क्ड मी, मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। नो वन एवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मुझसे कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा। नो वन या नो बडी एवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मुझसे कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं, ये इसकी अंग्रेजी होगी। अब अगला शब्द देखें कभी के लिए, एट वन टाइम या वंस। एट वन टाइम या वंस, देखें क्या वाक्य बनता है। ही मस्ट हैव बीन रिच वंस। वंस का अर्थ है यहां कभी, वह कभी अमीर अवश्य रहा होगा, वह कभी अमीर अवश्य रहा होगा। अगर आपको ये कहना है वो कभी गरीब अवश्य रहा होगा, तो यहां पुअर लिख दें। शी मस्ट हैव बीन ब्यूटिफुल वंस, वह कभी सुंदर रही होगी। शी मस्ट हैव बीन ब्यूटिफुल वंस। अब देखें अगला सेंटेंस जो बहुत कॉमन है, ही वॉज वंस माई फ्रेंड, वह कभी मेरा मित्र था, वह कभी मेरा मित्र था। एट वन टाइम भी वंस की जगह लगाया जा सकता है। अब देखें इसकी अंग्रेजी, कभी नहीं की अंग्रेजी, ये तो कभी की होगी, दोनों का अर्थ है तो कभी, लेकिन किस तरीके से यूज हुआ है वो अलग ही है। कभी नहीं, सब जानते हैं इसकी अंग्रेजी, नेवर। नेवर, आई विल नेवर टॉक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू हर, कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। कभी ना कभी, एट वन टाइम और अनदर, इसकी अंग्रेजी हुई। इट हैपेंस विद एवरीवन एट वन टाइम और अनदर इन लाइफ, कभी न कभी जीवन में ये हर एक के साथ होता ही है। इट हैपेंस विद एवरीवन एट वन टाइम और अनदर इन लाइफ, ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। इट हैपेंस विद एवरीबडी एट वन टाइम और अनदर इन लाइफ, कभी न कभी जीवन में ऐसा अवश्य होता है, हर एक के साथ होता है। कभी और कभी दूर लिखें, कभी एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में कभी। कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, उसका पता ही नहीं चलता कब हंसता है कब रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप, इस तरीके से नाउ, नाउ इसकी अंग्रेजी बनेगी दो बार, NOW। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही वीप्स। कभी कुछ, कभी कुछ, अब वो आदमी जो एक बात पर रहता ही कभी नहीं, कभी कुछ, कभी कुछ। एट वन टाइम ही सेज वन थिंग एंड एट अनदर टाइम ही सेज समथिंग डिफरेंट। एट अनदर टाइम सेज ही सेज समथिंग डिफरेंट या एट अनदर टाइम समथिंग डिफरेंट,
इस तरीके से बोल सकते हैं हम, एट वन टाइम ही सेज वन थिंग एंड एट अनदर टाइम समथिंग डिफरेंट। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता, कभी कभी तो, इसकी अंग्रेजी बनेगी एट टाइम्स, कभी कभी तो, एट टाइम्स हिज फॉली इज अनबियरेबल, कभी कभी तो उसका पागलपन, उसकी मूर्खता बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एट टाइम्स हिज फॉली, मूर्खता इज अनबियरेबल, बर्दाश्त से बाहर, कभी कभी उसकी मूर्खता बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, ऐसी बात कर देते हैं कभी कभी, ये आदमी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, चिल्ला पड़ता है आदमी। कभी तो की अंग्रेजी क्या होगी, वन डे, समडे और द अदर, वन डे या समडे और द अदर। ही विल कम टू मी, वो मेरे पास आएगा, ही विल कम टू मी विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर, वन डे, एक दिन, एक दिन तुम देख लेना मेरे पास वो हाथ जोड़ता हुआ आएगा। कभी तो वो मेरे पास हाथ जोड़ता हुआ आएगा, हाथ जोड़ के आएगा, कभी देख लेना। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कभी तो की अंग्रेजी होगी संडे और द अदर वन डे, ही विल कम टू मी, मेरे पास आएगा विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर, विद फोल्डेड हैंड्स की हिंदी है हाथ जोड़कर, वन डे, एक दिन, एक दिन वो मेरे पास हाथ जोड़ता हुआ आएगा। आज तो उसने मुझे गाली दी है, एक दिन मेरे पास हाथ जोड़ता हुआ आएगा, आज तो उसने मेरी इंसल्ट करी है, बेइज्जती करी है। कभी कभी, नाउ एंड देन, एक और अंग्रेजी होती है इसकी, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन भी इसकी अंग्रेजी होती है, नाउ ऑफ एंड ऑन। आई गो देयर समटाइम्स, मैं वहां कभी कभी जाता हूं। आई गो देयर समटाइम्स या ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, कभी कभी शब्द की तीन अंग्रेजियां होती हैं। एक तो मैंने ये पहले ही लिखी है, नाउ एंड देन, दूसरी होती है समटाइम्स, तीसरी होती है ऑफ एंड ऑन। आई गो देयर समटाइम्स, आई गो देयर नाउ एंड देन, आई गो देयर ऑफ एंड ऑन, इस तरीके से ये सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी, मैं वहां कभी कभी जाता हूं। कभी ना कभी, सूनर और लेटर, कभी ना कभी, He will return home sooner or later. वो घर से चला गया था लड़का, कोई लड़का घर से चला गया मान लिया, तो माँ उसकी इंतजार करती है, कहती है He will return home, कभी ना कभी तो घर पे आएगा। He will return home sooner or later, कभी ना कभी तो घर पे आएगा। कभी की, कभी का, कभी की, since long, This ring has been lying here since long. ये अंगूठी सोने की है। This golden ring has been lying here since long. कब से पड़ी कोई देख ही नहीं रहा, कब से पड़ी है सोने की अंगूठियां, कोई उठा के नहीं रख रहा है। This ring, this golden ring has been lying here since long. बहुत देर से कभी की पड़ी हुई है यहां पे, कोई देख ही नहीं रहा है, सोने की अंगूठी। कभी भी, कभी भी की अंग्रेजी क्या होती है, एट एनी टाइम, कभी भी, ही कैन कम एट एनी टाइम, वह कभी भी आ सकता है, ही कैन कम हियर एट एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है, ही कैन गो एट एनी टाइम, वो कभी भी जा सकता है। कभी कभार, कभी कभार की अंग्रेजी सेल्डम, एस ई एल डी ओ एम, बिल्कुल ना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ना के अर्थ में, S E L D O M, seldom,
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते। कभी कभार की अंग्रेजी है सेल्डम। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते कम हैं, कभी कभार ही काटते हैं। शी सेल्डम लीव्स हर हाउस, वो कभी कभार ही अपना घर खाली छोड़ती है, अकेली छोड़ती है, कभी कभार ही घर से बाहर जाती है, ये कहने का अर्थ है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का अर्थ है गरजने वाले बादल बरसते कम है। जो आपको मुंह पर कह के जाएगा मैं तुझे जान से मार दूंगा, कभी नहीं मार पाएगा। रेयरली एक और शब्द है, उसका अर्थ भी है कभी कभी। शी इज रेयरली सीन इन द कॉलोनी, वो कॉलोनी में कभी कभार ही दिखाई देती है। शी इज रेयरली, बहुत कम, ना के बराबर, आर ए आर ई एल वाई, शी इज रेयरली सीन इन कॉलोनी, वो कभी कभार ही कॉलोनी में दिखाई देती है। वह कभी कभार ही कॉलोनी में दिखाई देती है, ये मैंने अभी बताया था। शी इज रेयरली सीन इन द कॉलोनी, वह कभी कभार ही कॉलोनी में दिखाई देती है, यानी बहुत ही कम। कभी खुशी कभी गम, ये आपने फिल्म भी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम। समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स सैडनेस, ये इसकी अंग्रेजी हुई। समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स सैडनेस, ये इसकी अंग्रेजी हुई। हैप्पीनेस माने खुशी, सैडनेस माने गम, और समटाइम्स माने कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यह अमिताभ बच्चन का एक गीत है, फिल्म का नाम है कभी कभी, और गाया है मुकेश ने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, समटाइम्स आई गेट दिस आइडिया इन माई हार्ट या माइंड, आई गेट दिस आइडिया इन माई माइंड समटाइम्स, तो इस तरीके से इसकी गाने की अंग्रेजी बनेगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी अलविदा ना कहना, ये एक पुराना गीत भी है, शायद फिल्म का नाम भी हो। नेवर से गुड बाय, नेवर से गुड बाय, कभी अलविदा ना कहना, गुड बाय माने अलविदा। वह कभी हाँ कहता है और कभी ना कहता है, एक बात पर रहता ही नहीं। एट वन टाइम ही सेज यस, एट अनदर टाइम ही सेज नो, कभी हाँ कहेगा तो कभी ना कहेगा, बात का भरोसा ही कोई चिकित नहीं है। तो सेल्डम शब्द का अर्थ ना के बराबर होता है। शी सेल्डम लीव्स हर हाउस, वह कभी कभार ही अपना घर छोड़ती है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको, सेल्डम ना के अर्थ में आता है, इसलिए शी सेल्डम लीव्स हर हाउस, या कोई और कर्ता भी इसके स्थान पर हो सकता है, वह कभी कभार ही अपना घर छोड़ती है। इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज समवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यदि आप किसी की आलोचना बुराई करना चाहते हैं तो आप स्वयं एक शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, तब करके देखिए, आपको अपनी ही बुराई दिखाई देगी। कबीर दास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब हम दूसरे को बुरा देखने चलते हैं और फिर यदि हम अपने ऊपर निगाह डालें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि हमसे बुरा कोई नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, देश के विदेश के, बहुत सारे देशों के, वे इतना शानदार लिखते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे श्री नरेंद्र रावत जी, नेहा शांडिल्य जी, सैयद असद जमील जैदी जी, वसीम हुसैन जी, प्रमोद कुमार जी, मोहसिन खान जी, नविंदर सिंह जी, इनका मैं हृदय से और बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।